नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब में लुधियाना के जवाहर नगर कैंप में देर रात पुलिस कमिश्नर कौस्तुभ शर्मा ने दबिश दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें, पिछले कई दिनों से विधायक गुरप्रीत गोगी को भी इलाके के लोगों ने शिकायत दी थी कि कुछ लोग जवाहर नगर कैंप में चिट्टा बेचते हैं। इलाके में जब पुलिस चौकी की कार्यवाही ढीली रही तो लोगों ने जिला पुलिस प्रशासन और हल्का विधायक के खिलाफ भी कुछ दिन पहले रोष मार्च निकाला था। लोगों की शिकायतों के बाद सोमवार रात पुलिस कमिश्नर शर्मा अचानक इलाके में पहुंचे। इलाका निवासियों से कमिश्नर शर्मा ने बातचीत भी की, लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी। वहीं लोगों ने कमिश्नर को इलाके के वह पॉइंट दिखाए जिन जगहों पर सरेआम तस्कर ड्रग सप्लाई करते हैं। दिन के समय इस इलाके में जहां चिट्टा बिकता है, वहीं रात के समय भी नशा तस्कर ड्रग की तस्करी करते हैं। कमिश्नर शर्मा ने इलाकों के निवासियों से कहा कि जिस समय यहां तस्कर नशे की तस्करी करने आए तो वह तुरंत पुलिस या सीधे उन्हें ही फोन करें। कमिश्नर के मुताबिक इलाके में कई तरह के अपराध हो रहे हैं, विशेषकर नशा तस्करी की शिकायतें अधिक आ रही हैं, जिस कारण वह खुद देर रात यहां मौके का मुआयना करने आए। कमिश्नर ने कहा कि मौका देखने से यह अंदाजा कि इलाका काफी बड़ा है, इस कारण फोर्स भी उसी मुताबिक लेकर आने वाले किसी भी दिन सर्च कार्यवाही की जाएगी। इलाके के लोगों से रابطہ बनाया जाएगा ताकि आपराधिक लोगों को भी पकड़ा जा सके। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।